मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। पसंद की शादी कर ली, आप पसंद की शादी कर ली और वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई, क्योंकि वो तो कहीं वो शख्सियत के जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया या लड़ गई, इन बोथ केसेस। देखिए, बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि दानाई की बात ये है, या दानिश्वरों ने हमें ये समझाया कि जोश में होश काम नहीं करता। ग्रेट। और ये भी कहा कि जब आप जोश में हो तो होश के फैसले ना करें। ओ, जब आप इंतहाई खुशी में हो तो आप उस वक्त फैसले ना करें, कमिटमेंट्स ना करें। मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्साइटमेंट चाहे वो खुशी की हो या फिर आप किसी भी ऐसी सूरत हाल में कि गुस्से में हैं, यानी इमोशनल स्टेट से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि चाहे अगर इंतहाई गुस्से की हालत में हो, इंतहाई खुशी की हालत में हो, इंतहाई नफरत की हालत में हो, इंतहाई मोहब्बत की हालत में हो, उस वक्त आप फैसले ना करें, क्योंकि जोश में होश काम नहीं करता। और हम दायरे मेंटल हेल्थ के लोग हैं तो हमें मालूम है कि हमारा जो होश और हमारे जोश दो अलग अलग हेमिस्फीयर्स हैं। ऐसे ही है ना कि हमारा जो जिसको हम जब लेफ्ट ब्रेन कहते हैं तो ये होश का काम करता है, जिसको आप लॉजिक कह लें, मंतिक कह लें, रैशनलाइजेशन कह लें, कॉग्निशन कह लें, और जो हमारा जोश है वो हमारा राइट ब्रेन जो है वो काम करता है, जहाँ पे जज्बात है। बिल्कुल। तो ये दोनों जो है वो एक साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे एक बैक वक्त तो ये फैसले सही नहीं करेंगे। ऐसे इसको आपको वन बाय वन इस्तेमाल करना है फैसले के वक्त। ठीक है। होता यही है कि जब हम जोश में होते हैं तो ये इमोशंस जो है ये इमोशंस कैलकुलेटेड नहीं होते। कभी आपने ये किसी को सुना है कि मुझे आपके से मोहब्बत जो है वो 33.2% और अगर आप शाम को मेरे लिए अच्छा सा जोड़ा ले आए तो ये बढ़ के 80% हो सकती है, और उसके साथ अगर आप मैचिंग ज्वेलरी भी ले आए तो ये 99% भी हो सकती है, और अगर वो शाम को वो नहीं लेके आया तो वो जो सुबह 33 थी वो घट के सिर्फ 3% रह गई। इसका मतलब ये है कि जो इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, जोश होता है, ये क्वालिटेटिव तो हो सकता है, क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। एक्सीलेंट। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो जोश है ना ये वेव्स की फॉर्म में होता है। जितने आपके जो जज्बात हैं वो सब वेव की फॉर्म में होते हैं, यानी ये चढ़ते हैं और उसके बाद फिर ये उतरते हैं और फिर ये फ्लैट हो जाते हैं, फिर ये चढ़ते हैं, फिर ये एक प्लेटो आता है और फिर उसके बाद ये नीचे फ्लैट हो जाते हैं। और होता यही है कि जिस वक्त वो जज्बात चढ़ रहे होते हैं उस वक्त तो वो सामने वाले से वो जो तवक्कात हैं वो उस तरह की हो जाती हैं, क्योंकि उसको आपको, क्योंकि अकल तो काम ही नहीं कर रही होती, सिर्फ जो है वो जोश ही जोश और वो जो चाहत और वो जो है वो सवार हुआ वो होता है। सही। और जब वो उतरता है तब अकल भी आती है। बिल्कुल। जब ये अकल आती है तो फिर समझ में आता है कि नहीं यार ये कोई इतना खूबसूरत तो नहीं यार इसमें से तो स्मेल भी आती है, उस वक्त आपको महसूस ही नहीं हो रहा यार ये बात किस तरह करते हैं, इसने ये वाला अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, वो अल्फाज जो है ना, ये अल्फाज जब आप, और खास तौर से जब आप उस रिश्ते में भी बन गए तो आपने कहा ये क्या बदतमीजी का अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, और सबको बदतमीजी के अल्फाज आपको पता ही नहीं लग रहे थे, पता ही नहीं, उसमें तो आप चेयर अप जो है वो हो रहे थे। तो ये वो बुनियादी गलती होती है कि जब इंसान अपने जोश के टाइम के ऊपर फैसले करता है और वो तवक्कात वाबस्ता करता है, और जब अकल आती है तो उसके बाद वो तवक्कात चकनाचूर हो जाते हैं।